हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नंदिनी और आज मैं बनाने वाली टेस्टी सा आलू गोभी का स्नैक्स। यस फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली आलू गोभी का स्नैक्स। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं टेस्टी टेस्टी स्नैक्स बनाने। लेट्स गो। आलू गोभी का स्नैक्स बनाने के लिए हम लोग लेंगे कटी हुई हरी मिर्च, आलू गोभी, लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर और बेसन। हमको आलूओं को ऐसे छोटा छोटा काट लेना है और गोभी को भी हम लोग को ऐसा छोटा छोटा ही काट लेना है। सबसे पहले हम लोग एक बाउल लेंगे, उसमें मैं कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, कटे हुए आलू डाल देंगे, गोभी, हरा धनिया। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, कटी हुई लहसुन, आप पेस्ट भी ले सकते हो, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन को डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और फिर इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। बेसन को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितनी ज़रूरत लगे आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन को डाल देना है और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है ताकि इन पे एक बेसन की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। इसमें मैं 4-5 चम्मच पानी डाल दूंगी ताकि आलू में अच्छे से बेसन लग जाए और इसको मिला लूंगी। मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना भूल गई थी, उसको मैं अभी मिला दे रही हूँ और फिर इसको हम लोग चला के मिला लेंगे। आप देख सकते हो बेसन की अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है आलू गोभी में। अभी हम लोग इसको तलने चलते हैं। मैंने तेल को रख दिया गरम होने के लिए, फ्लेम आपको मीडियम रखना है। तेल गरम हो चुका है, अभी मैं इसको डाल दूंगी तलने के लिए। आपको इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा नहीं, और इसको चला लेंगे हल्के हाथों से ताकि चिपके नहीं आपस में, और इसको ऐसे हम लोग छोड़ देंगे पकने के लिए। थोड़ी देर बाद आप इसको ऐसे चला लीजिएगा और इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे छोड़ दीजिएगा तलने के लिए। आपको थोड़ी थोड़ी देर पे इसको ऐसे चला लेना है। आप देख सकते हो हम लोग का टेस्टी सा पकौड़ा तल चुका है। अभी मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और बाकी के पकौड़ों को भी ऐसे ही तल लेना है। तो फिर मेरे टेस्टी से स्नैक्स बनके तैयार हो चुका है। मैं आपसे बोलूँगी कि आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ पे कमेंट करिएगा। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड।